नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे उपसहार संयोजी यौगिक का भाग दो, जिसमें हम समझेंगे बंध क्या होते हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं और बंध कोटि क्या होती है, यानी कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान आज हम करेंगे। लेकिन आपको वीडियो के शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, अर्थात पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये हमारा है, अम्ल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, क्षार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लवण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा या उदाहरण दीजिए। आप लोग कहोगे कि सर आपने पूरा वीडियो का ही मतलब पूछ लिया, तो देखिए आप पढ़ाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के शुरुआत में फिर से वही एक बात हम कहेंगे कि वीडियो को देखना, अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो कैसा है उसे भी बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बंध, प्रश्न उठता है बंध क्या है, प्रश्न उठता है बंध क्या है। तो बंध आप कहोगे कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो बंध का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तत्व ए है, दूसरा बी है। अब इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो तत्व है, पहला ए दूसरा बी। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो बिंदु के रूप में है, हमने यहाँ पे दिखाया। दूसरा बी है तत्व, तत्व क्या है बी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्रॉस के रूप में लिया गया है, तो हमने ये देखा। अब अगर यही दोनों आपस में से जुड़ेंगे तो एक बंध का निर्माण होगा। अतः आप कहोगे कि किसी भी एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा ए और बी, मतलब इसके बीच में से बंध बन जाएगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ए वाला रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी वाला रहेगा। अगर हम बंध को मान लीजिए तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसे जब हम किसी बंध को तोड़ेंगे तो उसे हम बंध वियोजन के नाम से जानते हैं या कहेंगे, क्या कहेंगे, बंध वियोजन, बंध वियोजन, वियोजन। तो अगर आपसे कोई कहे कि बंध वियोजन क्या है या बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, क्या बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है, तो आप कहोगे किसी भी एकल बंध के टूटने की प्रक्रिया, किसी भी एकल बंध के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बंध वियोजन कहते हैं, अर्थात बॉन्ड डिसोसिएशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है R और यहाँ पे P, ये क्या है, कोई एक तत्व है और ये भी कोई तत्व है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर हमने इस बंध को तोड़ा, जब इस बंध को तोड़ेंगे तो यहाँ पर यह संभावना है कि हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व पर आए, अथवा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो क्या हो, दोनों परमाणु पर अलग अलग बढ़ जाए। तो एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और दूसरे पर ऐसे आएगा। अब जो रचना होगी इसकी, आर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा और पी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे हमने देखा बंध विखंडन को, ध्यान से देखिएगा साथियों, बंध विखंडन आपका दो प्रकार का होता है। पहला सम बंध विखंडन, पहला क्या होगा, सम बंध विखंडन। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सम बंध विखंडन क्या है, तो आप कहोगे वह बंध विखंडन जिसमें किसी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, या जब दो परमाणु के बीच में कोई बंध बनता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बंध के, या उस बंध को तोड़ने पर उनके दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु पर बढ़ जाते हैं।
फिर से सुनिएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे परमाणु R है और परमाणु P है, उनके बीच में एक बंध बना हुआ है। जब हम बंध को तोड़ेंगे तो यह हम बात जानते हैं कि एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होगा, और जैसे ही बंध को हम तोड़ेंगे एक इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु पर और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे परमाणु पर बराबर मात्रा में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम कहेंगे समबंध विखंडन। आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। उदाहरण क्या? दूसरा प्रकार। तो पहला हमने देखा समबंध विखंडन, दूसरा है विषम बंध विखंडन। तो आप कहोगे विषम बंध विखंडन वह प्रक्रिया है, विषम बंध विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है आपका कि जो आपके परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है उस बंध में लगे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर आएंगे, या तो पहले परमाणु पर आएंगे या तो दूसरे परमाणु पर आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, उदाहरण के लिए लेते हैं हम यहाँ पर ए और बी, इसके बीच में एक बंध बना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब यहाँ पर विषम बंध विखंडन में हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, तो जब इस पर आएगा तो हम लिखेंगे कि परमाणु ए ने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो जो देगा वह धनात्मक होगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, मतलब इस लोन पेयर को, इस बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दिया तो उसे हम प्लस से लिखेंगे, और जिसने ग्रहण किया उस पर हम माइनस का चार्ज लगाएंगे। और इस दो इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह दिखा दिया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पर दिखा दिया। फिर दूसरा उदाहरण है आपके पास LM, यहाँ पे कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपके ऐसे इधर की ओर आए, तो हम लिखेंगे L पे के इलेक्ट्रॉन, L पे हम बनाएंगे यहाँ पे माइनस का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पे यम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया, तो यम पे प्लस का आवेश होगा। तो आपने देखा इस प्रकार विषम बंध विखंडन को। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा, जो परिभाषा आपके काम की है। परिभाषा का मतलब है, पहले हम समझेंगे बंध। तो हम कहेंगे बंध जो होते हैं वे दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनते हैं। और तो यहाँ पर हमने बंध की परिभाषा देखा, फिर प्रश्न आता है कि बंध वियोजन क्या है? तो किसी भी एकल बंध व सिग्मा बंध के टूटने की प्रक्रिया को हम बंध वियोजन कहते हैं। फिर प्रश्न आता है कि बंध वियोजन कितने प्रकार का होता है? तो बंध वियोजन दो प्रकार का होता है, पहला सम बंध वियोजन या विखंडन, दूसरा विषम बंध विखंडन या वियोजन। तो हमने इसको देखा, आइए अब हम समझते हैं इसके आगे कि बंध कोटि क्या होती है। अब हम बात करेंगे बंध कोटि की। तो आइए हम देखते हैं बंध कोटि क्या होती है। आप कहेंगे जब किसी अणु के बीच में जितने बंध हों उसे हम उसकी उतनी बंध कोटि के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H और H, इसके बीच में बंध कितने हैं? एक है, अर्थात इसकी बंध कोटि जो होगी, बंध कोटि एक होगी, बंध कोटि क्या होगी? एक होगी। उसी प्रकार यहाँ पे हम ऑक्सीजन की देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ दो बंध है, यहाँ पर बंधों की संख्या कितनी है? दो है। अब यहाँ पे क्या होगा, बंध कोटि जो होगी, बंध कोटि क्या होगी? दो होगी, तो बंध कोटि यहाँ पे दो होगी। उसी प्रकार यहाँ पे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन में यहाँ पे तीन बंध है। जब तीन बंध है तो बंध कोटि, पहले हम देखेंगे बंध कितना है, बंध तीन है, और बंध कोटि क्या होगी, बंध कोटि इसकी होगी तीन। तो आप कहोगे किसी भी यौगिक में जितने भी बंध लगे होते हैं, ध्यान देना, किसी भी यौगिक में जितने भी बंध लगे होंगे वही उसकी बंध कोटि को दिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के बीच में केवल एक बंध है तो हाइड्रोजन की बंध कोटि कितनी होगी? एक होगी। ऑक्सीजन की बंध कोटि कितनी होगी? दो होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से यहाँ पर दो बंध लगा हुआ है। नाइट्रोजन की बंध कोटि तीन होगी, क्योंकि इसमें बंध कितने लगे हैं? तीन लगे हुए हैं। तो हमने देखा बंध कोटि क्या होती है। आइए अब हम समझते हैं कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो बंध यहाँ पे दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। पहला है
विद्युत संयोजी बंध। तो हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत संयोजी बंध की। दोस्तों आप केवल वीडियो पर ध्यान देना, जो फालतू की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उस पर ध्यान न दें। तो हम बात करेंगे विद्युत संयोजी बंध। आप कहोगे विद्युत संयोजी बंध ऐसे बंध होते हैं, विद्युत संयोजी बंध ऐसे बंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो आप कहोगे कि विद्युत संयोजी बंध वे बंध हैं जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। अर्थात इस प्रकार के बंध में होता है ये है कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरे तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध का निर्माण होता है। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है उदाहरण के लिए NaCl, क्या है NaCl। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपका MgCl2। अब देखिए इन दोनों को हम पहले समझेंगे। तो देखिए Na का जो परमाणु क्रमांक है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, विन्यास करने पर 281 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, तो 287 ये आया। तो हमने देखा कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 है, विन्यास करने पर 281 आया। अब भाई इतना तो आपको आना ही चाहिए विन्यास। उसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, विन्यास करने पर 287 आया। अब हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए, यहाँ पर अष्टक नियम काम करता है। कि अष्टक नियम मतलब क्या है कि कोई भी तत्व अक्रिय अवस्था को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है या त्याग सकता है, क्यों? क्योंकि वह अक्रिय गैस की रचना को प्राप्त करना चाहता है। तो सोडियम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, सोडियम यहाँ से अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा अर्थात बाहर निकाल देगा। और सोडियम के पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 7 ही है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या करता है, क्लोरीन सोडियम के द्वारा या सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर बंध बनता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेगा, जब ले लेगा तो इसकी संरचना इस प्रकार बनेगी कि Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब ये त्याग देगा तो Na प्लस बना लेगा और Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। Cl यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो क्या बनेगा, Cl माइनस बन जाएगा। अब इसकी हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर को देखते हैं, लुइस संरचना को, इसे हम LDS ध्यान देना, LDS मतलब लुइस डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो LDS क्या होता है, यहाँ पे Na, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमने Na के लिख दिया और Cl के पास 1 2 3 1 2 3 4। तो Cl के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और Cl अस्थाई रचना को प्राप्त करने के लिए या अक्रिय गैस की रचना को प्राप्त करने के लिए यहाँ से मतलब सोडियम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को लेगी। तो यहाँ पर एक ये Cl के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अर्थात क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अब सोडियम के पास कितना, तो सोडियम Na प्लस बना लिया अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 और 8 होंगे। उसी प्रकार Cl जो माइनस में है इसके पास भी हम विन्यास करेंगे तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हमने इस चीज को देखा कि अब ये दोनों किस रूप में आ गए, अक्रिय गैस के रूप में आ गई। उसी प्रकार हम बात करते हैं Mg की, तो Mg में क्या है, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, विन्यास करोगे 2 8 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है, अतः Mg जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जब त्याग करेगा तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्लोरीन लेगा। Cl का परमाणु क्रमांक है 17, तो 2 8 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 8 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे Na, तो Na तो यहाँ पे था,
अब लिखेंगे एम जी ने किया क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो एम जी प्लस प्लस बना लिया, मतलब एम जी टू प्लस बना लिया। उसी प्रकार सी एल यहाँ पर कई बार है, दो बार है, इसलिए सी एल और उसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है उसी इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा, तो क्या बना लेगा, टू सी एल माइनस या सी एल टू बना लेगा, ये सी एल टू को बना लेगा। तो फिर से सुनिएगा, आप कहोगे यहाँ पे क्लोरीन पर माइनस का आवेश होता है, आवेश होने के कारण यह दो इलेक्ट्रॉन को लेगा सोडियम, उसके द्वारा मैग्नीशियम द्वारा त्यागे गए दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा क्लोरीन, तब यह सी एल टू में बदल जाएगा। और अब देखिए इसकी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे इस रूप में और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ये होंगे और सी एल के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, उसी प्रकार एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप देखोगे इसको इस रूप में हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये इस रूप में आ जाएगा। अब होगा क्या कि क्लोरीन ने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया, लेकिन मैग्नीशियम की बात आती है तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, अपने में से निकाल दिया, इसलिए इसका अष्टक पूरा हो गया। और आपने इसको देखा, हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरह रचना की, तो क्या होगा एम जी प्लस का विन्यास करेंगे तो आएगा दो आठ, और यहाँ पर सी एल माइनस का विन्यास करोगे तो आएगा दो आठ आठ। तो यहाँ पर हमने इस उदाहरण को विस्तार पूर्वक समझा, आइए हम इस उदाहरण को एक बार फिर से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले हम तत्वों को अलग करेंगे, तो अलग करने के बाद सोडियम को हमने देखा और क्लोरीन को देखा, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 281 आया, उसी प्रकार क्लोरीन का विन्यास किया तो 287 आया। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, त्यागे गए मतलब सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है एन ने फिर एरो मतलब तीर बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने त्याग दिया और क्या बना लिया, एन ने प्लस बना लिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम द्वारा त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो सीएल माइनस बना लिया। अब हमने यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि सोडियम ने क्या, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण कर रही है। तो आपने देखा यहाँ पे सोडियम धनायन बना लिया अर्थात एन ए प्लस बना लिया, विन्यास करोगे दो और आठ आएगा। उसी प्रकार क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन ने भी क्या किया, ऋणात्मक आयन बना लिया और इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका विन्यास करोगे तो 2 8 8 आएगा। उसी प्रकार एम जी सी एल टू की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, विन्यास करने पर 2 8 2 आएगा, क्लोरीन का 17 होता है, विन्यास करने पर 2 8 7 आएगा। एम जी ने दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एम जी टू प्लस बना लिया, सी एल ने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो सी एल टू बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जिसमें क्लोरीन ने मैग्नीशियम द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया और उसके बाद ये बना लिया, यहाँ पे बना लिया एम जी टू प्लस जिसका विन्यास हमने किया तो 2 8 आया, और उसके बाद जो क्लोरीन है उसने भी एक इलेक्ट्रॉन एम जी द्वारा ग्रहण कर लिया तो विन्यास करने पर 2 8 8 इलेक्ट्रॉन आया। इस प्रकार हमने देखा विद्युत संयोजी बंध को। आइए हम देखते हैं सहसंयोजी बंध को कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। अगला हमारे पास जो बंध है वह है सहसंयोजी बंध। तो देखिए सहसंयोजी बंध जो बंध है उसकी आइए हम परिभाषा को समझते हैं। आप कहोगे सहसंयोजी बंध वह बंध है, सहसंयोजी बंध वह बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो आप कहेंगे सहसंयोजी बंध वह बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अर्थात इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और इसमें जो तत्व होते हैं वे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। देखिए इस बात को हमने बार बार बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। आइए हम एग्जांपल के द्वारा इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है आपका H2O, H2O ये क्या है, जल है, और दूसरा उदाहरण हमारे पास जो है वो यहाँ पे है HCl, इसे हम कहेंगे यहाँ पे है HCl, और
HCl और यहाँ पे है Cl2। तो ये हमारे पास तीन उदाहरण यहाँ पे है। पहला है हमारे पास H2O। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम तत्व कौन कौन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, विन्यास भी 1 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा और विन्यास 2 और 6 होगा। उसके बाद अब देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉनों को हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। और हाइड्रोजन में कितना, 1 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ से बंध बनाएगा और ये इसके साथ बंध बना लेगा। तो पुनः समझिएगा ये क्या है, ये है जल की संरचना। जल की संरचना है अर्थात जल इस प्रकार का बंध बनाता है, ये इस प्रकार का बंध बनाएगा। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो हमने इसको देखा। अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार हम बात करते हैं HCl की। तो यह के परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा और Cl कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17। अब 2, 8, 7 ये होंगे। उसके बाद यहाँ पे अब जब इसकी संरचना बनाएंगे LDS लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बनाएगा आपका H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा इस रूप में, और Cl में क्या होगा, Cl में यहाँ पर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ 7 है ना, तो 4, 3, 7 हो गए। अब ये इस प्रकार से बंध को बना लेगा। और अब यहाँ पे हमने देखा क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमने इसको नहीं समझा। हम बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन को भी हमने देखा था परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17 होता है, 2, 8, 7 आएगा। हमने विन्यास कर लिया इसका। विन्यास करने के बाद हमें करना होगा ये बात कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो एक Cl हमने यहाँ लिखा और एक Cl यहाँ पे लिखा। इसके इलेक्ट्रॉन को हमने इस रूप में लिख दिया। यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे हो गए 7 और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 7, 7 दोनों में है, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये ऐसे इसके साथ बंध बना लेगा और ये वाला भी इसके साथ ऐसे ऐसे बना लेगा ये। अब देखिए आपके समझ में आया है, इस प्रकार बनता है आपका Cl2। क्या बनता है, Cl2। और उसके बाद यहाँ बनेगा HCl। तो आपने ये चीज़ को देखा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब से 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास। उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस करने में कर देंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने देखा लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका, H2O का, साथ ही साथ HCl का, और उसके बाद हमने देखा Cl2 का। तो हमने इसको देख लिया। अब आइए हम समझते हैं कि अगर हमने सहसंयोजी बंध को समझ लिया है तो अगला समझेंगे हम हाइड्रोजन बंध को कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं। तो इसमें आपने कहा कि सहसंयोजी बंध वह बंध है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। हमने देखा पहले वाले में अर्थात जल में देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी किया है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी किया है। तीसरे में हमने देखा कि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी किया है। आइए हम समझते हैं हाइड्रोजन बंध को। अगला प्रश्न जो हमारा प्रश्न क्या है, हमारा अगली जो हेडिंग है वह है हाइड्रोजन बंध। अब प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का दुर्बल बंध है। इस बंध को हम टूटी रेखा या डॉट लाइन द्वारा लिखते हैं। तो क्या कहोगे, इस बंध को हम टूटी रेखा या डॉट लाइन, रेखा या डॉट लाइन, ऐसे मतलब डॉट लाइन अर्थात डैश द्वारा लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बंध है वह एक प्रकार का दुर्बल बंध है और इस बंध को हम टूटी रेखा या डॉट लाइन द्वारा लिखते हैं। और हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ मिलता है और मिलने के बाद एक प्रकार का बंध बनाता है, उसे हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बात सुनिए, हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु अत्यंत कैसे विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ बंध बनाता है, और तत्व क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस प्रकार के बने बंध को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बंध कहेंगे। और हाइड्रोजन बंध को हम कैसे लिखते हैं, टूटी रेखा या डॉट लाइन द्वारा लिखते हैं, और यह एक प्रकार का दुर्बल या कमजोर बंध होता है। आइए हम समझते हैं कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है उदाहरण द्वारा। तो यहाँ पे हम इसको हम इस रूप में समझेंगे, पहले हम देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन बंध क्या देखेंगे, जल H2O में हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे हम देखेंगे H2O, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, H है, और यहाँ पे H है। अब ये क्या होगा, इस प्रकार डॉट लाइन द्वारा हम बनाएंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम H2O को लिख देंगे। तो H2O का सूत्र क्या होगा, ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके पास ये ऐसे बंध बना लेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को भी हम लगाएंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो, तीन, चार, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऐसे टूटी रेखा द्वारा आएगा, और यहाँ पे होगा H हाइड्रोजन, और ये इससे बनाएगा इस प्रकार रचना, और ये इस प्रकार बनाएगा, ये डॉट लाइन आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये जुड़ेगा। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर ध्यान देना ये ऐसे आगे से जुड़ेंगे, ऐसे आगे से जुड़ते जाएंगे, ये भी ऐसे जुड़ता जाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी आपका इस प्रकार से जुड़ेगा, और यहाँ पर भी जुड़ेगा, और ये इस प्रकार की रचना को बना लेगा। तो हमने जो उदाहरण भी लिया है इसमें देख रहे हैं कि पानी में हाइड्रोजन बंध क्या देख रहे हैं, पानी में हाइड्रोजन बंध। तो ये उदाहरण को हमने समझा, आइए हम देखते हैं इसको, चाहो तो आप इसके साथ जोड़ देंगे तो अब जुड़ जाएगा, लेकिन हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। तो हमने जो संरचना बनाया है यह है पानी में हाइड्रोजन बंध। आइए हम देखते हैं और भी उदाहरण, अगला है एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध। तो देखिए पहले हम देखेंगे एल्कोहल का सूत्र, तो एल्कोहल का सूत्र होगा आर ओ, और यहाँ पर क्या होगा, एच होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉट लाइन बनाएंगे हम, फिर लिखेंगे एच ओ, और यहाँ पर एच, फिर हम देखेंगे यहाँ पे डॉट लाइन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे एच ओ आर। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट लाइन बनाएंगे, लिखेंगे एच, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे आर, तो सॉरी यहाँ पे एच होगा। तो हमने ये देखा, तो देखिए यहाँ पर फिर हम डॉट लाइन को बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा किसमें, ये है एल्कोहल में, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, एल्कोहल में क्या देखा हमने, हाइड्रोजन बंध को देख लिया। तो हमने इस बात को भी समझा, अगला हम देखेंगे HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में, फ्लोराइड में HB मतलब हाइड्रोजन बंध। तो आप कहोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखेंगे हम हाइड्रोजन बंध को। तो देखिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे हम लिखेंगे HF, हमने क्या देखा है HF यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, चाहे जैसे भी आप लिखेंगे, या आप यहाँ पे पहले से क्या लिख दीजिए, F को लिख दीजिए। तो आपने ये देखा, अब F आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि डैश बनेगा, उसके बाद यहाँ पे हम H लिखेंगे, और ये फिर F के साथ जुड़ेगा, और इस प्रकार H होगा, फिर ये F के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंध को हमने देखा। आइए हम समझते हैं अब आगे कि उपसह संयोजी यौगिक क्या होता है, या उपसह संयोजी बंध क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे लास्ट हेडिंग की, जो है
उपसार संयोजी बंध, और इसी बंध पर यह आधारित है पाठ जिसके लिए हमने अभी तक दो वीडियो के लिए समय गंवाया, लगभग एक मिनट सॉरी एक घंटे। तो आइए हम देखते हैं उपसार संयोजी बंध क्या होता है। तो हम कहेंगे उपसार संयोजी बंध एक प्रकार का सहसंयोजी बंध ही है। इस बंध का प्रतिपादन वैज्ञानिक लोरी और शुडविक ने किया। तो आप कहोगे कि उप सहसंयोजी बंध एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। इस प्रकार का या इस बंध का प्रतिपादन वैज्ञानिक लोरी और शुडविक ने किया। शुडविक ने किया इस प्रकार के बंध का प्रतिपादन वैज्ञानिक लोरी और शुडविक ने किया। इस प्रकार के बंध को हम कैसे लिखते हैं? एक तीर के द्वारा लिखते हैं। इस प्रकार के बंध को हम एक तीर के द्वारा ऐसे लिखते हैं। और इसमें जो बंध बनता है वह दो परमाणुओं के मध्य बनता है, लेकिन एक खास बात होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी साझेदारी नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु दूसरे परमाणु को देता है। तो क्या कहोगे? इस प्रकार के बंध में मान लेते हैं हमारे पास एक यौगिक है। यौगिक क्या है? परमाणु अलग अलग हैं, जैसे ए और बी मानते हैं ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के बंध में होगा क्या कि ये तत्व इन दोनों परमाणु में से कोई एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को किसी एक परमाणु को देगा। तो हो सकता है कि ए वाला परमाणु बी को इलेक्ट्रॉन युग्म दे। तो आप ऐसे बनाओगे और लिखोगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम ए और तीर के द्वारा बताएंगे बी कि मतलब ए परमाणु ने इलेक्ट्रॉन युग्म को बी परमाणु को दिया। तो ए यहाँ पर दाता परमाणु कहलाएगा, दाता परमाणु होगा और बी क्या होगा? बी होगा ग्राही परमाणु तो एक बार फिर से समझिएगा, आप कहोगे उप सहसंयोजी बंध एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। इस बंध का प्रतिपादन वैज्ञानिक लोरी और शुडविक ने किया। इस प्रकार के बंध को हम तीर के द्वारा एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं या लिखते हैं। इस प्रकार के बंध को हम एक तीर के द्वारा लिखते हैं। और इस प्रकार के बंध में कोई एक परमाणु अपने दोनों अपने बंध में लगे दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार के बंध में कोई परमाणु जो दो इलेक्ट्रॉन है मतलब जिससे मिलकर बंध बना हुआ है उन इलेक्ट्रॉनों को किसी एक परमाणु को देगा। तो इसे हमने क्या कहा? तो हमने देखा कि यहाँ पर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे हम ग्राही परमाणु कहते हैं। आइए हम समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। देखिए इसका देखेंगे हम पहला उदाहरण। पहला उदाहरण है आपका NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया की संरचना है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बोरान ट्राई फ्लोराइड BF3। तो ये है बोरान ट्राई फ्लोराइड। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? F को लिखा है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर को किसको देगा? बोरान को देगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार की रचना को बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि इसने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया बोरान को, हम ऐसे बना लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर इस उदाहरण को NH3 और BF3 में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगला उदाहरण जो है वो है आपका CuNH3 फोर टाइम्स, चार बार है। तो देखेंगे हम यहाँ पे Cu लिखेंगे और Cu का मतलब है कि Cu इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, सॉरी Cu इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अमोनिया से। और हम भली भांति जानते हैं कि NH3 जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके साथ बंध बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी H और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी प्रकार यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी NH3 को लिख सकते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार की संरचना को। तो पहला उदाहरण हमने देखा और दूसरा उदाहरण भी देखा। आइए हम देखते हैं तीसरे उदाहरण को
क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, अब देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आइए हम देखते हैं अगले उदाहरण को जो हमारे पास बहुत काम का है। तो अगला उदाहरण हमारे पास है Fe-CN6। क्या है Fe-CN6? तो Fe को हम यहाँ पे लिखेंगे Fe-CN6। हो सकता है ये वीडियो आपकी लंबी हो गई हो, लेकिन आपका काम की है। तो Fe को आप यहाँ पे लिखोगे और CN को 6 बार हम लिखेंगे। यहाँ पे CN कितनी बार होगा? 6 बार होगा। ऐसे यहाँ पे CN, 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 CN। तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपके पास उपसहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। तो हमने ये देखा और इस प्रकार के बने बंध को हम उपसहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज हमने इतना पढ़ा, अब अगले भाग में पढ़ेंगे कि उपसहसंयोजी यौगिक होता क्या है और इसमें इससे जुड़ी बहुत सारी परिभाषिक शब्दावलियों का भी अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।